हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर आपको पता हो तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी और कुछ सम देखे थे। अब यहाँ पर जो सम देखना है वो बेस्ड ऑन, आप देख सकते हो मैंने कार्ड्स बनाया है। कार्ड मतलब हम लोग अगर बोले तो पत्ते के बारे में ये सम्स दिए हुए। अब उसके पहले हम लोग को पत्ते के बारे में समझना होगा, बिकॉज इस प्रोबेबिलिटी का जो साइंटिस्ट था, जो मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा गैम्बलर था। बराबर, आपकी टेक्स्टबुक में दिया हुआ है, अगर आप एक बार देख लो उसका नाम तो काफी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को कार्ड्स को समझना होगा कि कार्ड्स को क्या बोलते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कार्ड्स लिखे हुए स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल के, ए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जे क्यू के। अब आप लोग को ये सब गुजराती या हिंदी में पता होगा कि इसको क्या क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसके नाम आने चाहिए, बिकॉज आपको सॉल्व करते हो इसको इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो एक का होता है ना, उसको बोलते हैं एस कार्ड, एस कार्ड। और दूसरी बात उसके पहले बता दो कि टोटल कार्ड ऐसे 54 होते हैं, बिकॉज इंक्लूडिंग टू जोकर्स, बट यहां पर जोकर को मैथमेटिशियन ने काउंट नहीं किया है। तो लिविंग दैट जोकर, अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो कितने कार्ड्स रहेंगे, टोटल 52 कार्ड्स रहेंगे। कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी में इसकी टोटल आउटकम्स को पूछा गया तो इसका टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो क्या होगा, 52 कार्ड्स होगा। कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स। अब देखो, जो एक का है उसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एस कार्ड। अब ये सारे नंबर है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर वाइज है। लेकिन जो जे होता है, जे कार्ड होता है, उसको बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं उसको, जैक बोलेंगे। क्यू होता है उसको बोलेंगे क्वीन, और जो के होता है उसको बोलेंगे किंग। तो दिस आर द थ्री थिंग्स, दैट जे इज नोन एज जैक कार्ड, क्यू इज नोन एज क्वीन, एंड के इज नोन एज किंग। अब ये तीनों को थ्री ऑफ देम को अगर कंबाइन कर देने में आए तो उसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्यों फेस कार्ड, अगर आपने इसको पत्ते देखे हो तो पत्तों पर इसके ऊपर फेस बने हुए रहते हैं, कोई कोई फेस बने हुए रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड। अब एक एक के कितने होते हैं, इसके चार हो गए, 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 इसके चार, इसके चार, ऐसे करते करते सबके चार चार कार्ड होते हैं, फोर फोर कार्ड होते हैं, सबके फोर फोर कार्ड होते हैं। तो देखो ये टोटल 13 है, 13 फोर सा कितना होता है, 52। मतलब एक पत्ते के चार कार्ड, सॉरी एक कार्ड के चार पत्ते होते हैं। मतलब जैसे एक का होगा तो उसके चार हो गए, दो हो गए तो उसके चार कार्ड हो गए। अब वो कार्ड भी है ना, अलग अलग डिजाइन में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो अगर आपने फुलड़ी, डायमंड ऐसा सब सुना होगा, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पेड का सिर्फ ये है पत्ते जैसा, है ना, क्लब थोड़ा ऐसा दिखता है जार, फूल जैसा, थोड़ा फ्लावर जैसा, उसको बोलते हैं क्लब। हार्ट, यू ऑल नो हार्ट का शेप क्या होता है, ये हार्ट का शेप है, बट डू रिमेम्बर ये शेप नहीं होता है, साइंस में हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये शेप हार्ट का नहीं होता है, जस्ट इट्स शेप है, इसको हार्ट बोल सकते हो। और ये होता है डायमंड, डायमंड शेप। तो ये हो गए चार। अब इसके स्पेड के कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड हो गए, बिकॉज एक एक सब में से लेना पड़ेगा। क्लब के कितने हो गए, 13 कार्ड हो गए। हार्ट के कितने हो गए, 13 कार्ड हो गए। और इसके कितने हो गए, 13। तो देखो 13 13 13, तो कितना हो जाएगा, अगेन 52। अगेन कितना हो जाएगा, 52। मतलब कैसे भी करके आपको 52 याद रखना है कि टोटल कार्ड 52 होते हैं। तो स्पेड के 13 हो गए, क्लब के 13 हो गए, हार्ट के 13 हो गए, और डायमंड के भी 13 कार्ड हो गए। अब नेक्स्ट आता है कलर कॉम्बिनेशन, लास्ट इज का कलर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन आपने दो ही, ज्यादातर दो ही कलर में होते हैं, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर के टोटल कार्ड हो गए 26, और ब्लैक कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे 26, और ब्लैक कलर के भी होंगे कितने, 26। तो ये हो गया उनका कलर कॉम्बो। अब इसमें अगर और आगे सम्स में पूछते हैं ब्लैक कलर किंग, तो ब्लैक कलर के किंग कितने होंगे, तो दो, बिकॉज ये ऐसे होता है, दो रेड दो ब्लैक सबका, इसका भी दो रेड दो ब्लैक, दो रेड दो ब्लैक, दो रेड दो ब्लैक, तो ये डिवाइड होते जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, दो रेड दो ब्लैक,
ये डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि दो ब्लैक कलर के रखते हैं और दो रेड कलर के रखते हैं। अब इसके बेस कुछ सम्स देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि ये सम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो वी आर गोइंग टू सी के जो कार के बेस सम है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं वीडियो में आप लोग को कंटिन्यूएशन में ये कार का एक सम बताऊंगा, तो ये पूरा एक सम मैंने सॉल्व करके रखा है। मैं आपको थोरोली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सम क्या है। देखो, वन कार इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डीक ऑफ 52 कार्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार, अ रेड फेस कार, जैक ऑफ हार्ट्स, स्पेड एंड अ क्वीन ऑफ डायमंड। छह अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप लोग को फाइंड करनी है। तो ये सिक्स अलग अलग प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग को फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसके टोटल आउटकम्स देख लो। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। मींस डिनोमिनेटर का नंबर फिक्स हो जाएगा कि और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स क्या आएगा, 52। उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग, तो चार किंग होते हैं, चार अलग अलग टाइप्स में होते हैं कलर डिजाइन में, लेकिन रेड कलर की तो मैंने बोला था दो ब्लैक के हो गए और दो किसके हो गए, रेड के हो गए। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 52। मींस रेड कलर के दो किंग अपॉन 52 अगर उसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/26। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग फेस कार। फेस कार तो फेस कार मतलब क्या, तो जैक, क्वीन और किंग। अब जैक के चार कार्ड, क्वीन के चार कार्ड और किसके, किंग के चार कार्ड। तो जैक के चार, क्वीन के चार, इसके चार, चारों चार का प्लस करोगे या तो 4 3 कितना होगा, 12। मतलब कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 2 के टेबल से करोगे तो 6/26। फिर से अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/13। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/13। नेक्स्ट है कौन सा है, रेड फेस कार्ड। अगेन फेस कार्ड ही है लेकिन सिर्फ रेड कलर के। तो चार होते हैं उसमें से दो रेड होते हैं, दो ब्लैक होते हैं। तो दो रेड, जैक के, क्वीन के और किंग के, तो दो इसके, दो इसके, दो इसके, टोटल कितने हो गए, 6। टोटल कितने हो गए, 6। मतलब कितना आ जाएगा, 6/52। 3/ कितना हो जाएगा, 26। 3/26 इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्या है, जैक ऑफ हार्ट्स। जैक लेकिन किसका, हार्ट का। तो चार डिजाइन होती है, कौन सी, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। तो ये चार डिजाइन में से अब हर एक एक कार्ड हो गया, तो जैक का खाली हार्ट का तो कितना होगा, 1। इसलिए कितना आ जाएगा, 1/52। आप लोग स्टेटमेंट देखते रहे ना, स्टेटमेंट सब में सेम है, खाली मैंने इवेंट्स चेंज किए हैं, नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसमें दिया हुआ है सिर्फ। नेक्स्ट, स्केटिंग स्पेड, ई ऑफ स्पेड। लेकिन स्पेड, स्पेड एक क्या है, डिजाइन है, स्पेड एक डिजाइन है। तो डिजाइन का कार्ड देखना है, तो चार डिजाइन होती थी, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। सबके कितने होते थे, 13/13। तो देखो 13/52 बिकॉज स्पेड, तो स्पेड डिजाइन के कितना हो गए, 13। इसलिए कितना आ जाएगा, 13/52 अगर उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/26। ये उसका क्या हो जाएगा, स्पेड हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन, तो क्वीन भी कितनी होती है, चार होती है, चार अलग अलग डिजाइन में होती है, लेकिन सिर्फ किसकी, डायमंड की। तो डायमंड कितनी होती है, 1। इसलिए कितना आ गया, 1/52। अब एक और चीज बता दूं, कोई कोई बुक्स के अंदर ई लेते हैं, फिर E1, E2, E3, E4 वो भी चलता है। मैंने सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लिए। अगर आप कोई कोई टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो वहां पर E1, E2 लिया है, और अभी लेटेस्ट में जो प्रिंट हो गया उसमें ABCD लिया है। तो देयर इज नो डिफरेंस, यू कैन कंसिडर एनी इवेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। आप कोई भी इवेंट को कोई भी नाम देकर कंसिडर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि ये मैक्सिमम बच्चे लोग तक पहुंच सके और पढ़ सके। थैंक यू सो मच।